सर राणा सनाउल्ला साहब के ऊपर फूल तो नहीं बरसाए, जूता फेंक दिया गया, उससे पहले ख्वाजा साहब पे सही फेंकी गई। पूरे पाकिस्तान के जूते इकट्ठे करके हर कोई मारे तो वो भी काम है। भाई के पास ऐसे तगड़े जूते भी हैं, बड़े बड़े वो देख रहे हैं वो वाले। ऐसे लोगों पे जूता ही पड़ना चाहिए। कैन यू स्पीक उर्दू? मगर उर्दू में आप जूता फेंक सकते हैं। निशाना कैसा आपका? मेरा बेहतरीन है। अब ये कहती है कि आप लीडरों को भी जूते पड़ेंगे सुधर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, पढ़ने चाहिए, डबल पढ़ने चाहिए, टाटा के प्लास्टिक के। पहले तो लोरिए बड़ा प्रोटोकॉल देंदे सन सियासतदानां नूं, सियासतदान ही गंदे हो गए ने ते फिर सियासतदानां दा इही हाल होएगा। तुसीं चाहुंदे हो तुहाडा कारोबार वधे, लोकां दी जुत्तियां मार मार के मुकदे मुक जाणगे। हां इनके करदार ऐसे है, जेड़ा आवेगा वह आवाम वास्ते कुछ नहीं करदा जे ते लियादा जुत्तियां खाणगे। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो नाजरीन यहाँ पर फूल बरसाने की नहीं, जूता बरसाने की बात है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो मियां नवाज शरीफ से शुरू हुआ लाहौर में, उस पर उन पर एक जूता बरसाया गया और उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं। ख्वाजा आसफ के ऊपर स्याही फेंकी गई और मैं कहना नहीं चाहता कि उससे उनका मुंह काला हो गया था। फिर उनको मजबूरन कहना पड़ा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फिर ये सिलसिला बढ़ता जाता है और रिसेंटली राणा सनाउल्लाह की गाड़ी के ऊपर जूता बरसाया जाता है, जो कि खुद ये कहते थे कि स्पीकर को ना सिर्फ जूते पड़ेंगे बल्कि जूतों का हार पहनाया जाएगा। वोटर स्पोर्टर्स और अवाम में ये फ्रस्ट्रेशन और बद अखलाकी कहाँ से घुसी है, ये जानने के लिए हमने रुख किया है मुस्लिम लीग के गढ़ लाहौर के अंदर कि ये जूते क्यों बरसाए जाते हैं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ मनान गिलानी, तो जनाब चलिए मेरे साथ और जानते हैं अवाम की जुबानी। तो लीजिए जनाब हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। सर राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर फूल तो नहीं बरसाए, जूता फेंक दिया गया, उससे पहले मियां साहब के ऊपर भी जूता, ख्वाजा साहब पे सही फेंकी गई, ये रवायत ठीक है? ये हमारी रवायत है, हम तो हार डालते थे फूलों के सियासतदानों के गले में। ऐसे लोगों पे जूता ही पड़ना चाहिए, उसकी वजह क्या है? वजह ये क्या है कि सियासत में गन डाला हुआ है, इनका करेक्टर क्या है? इन लोगों ने यहाँ पे राणा सनाउल्लाह तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मॉडल टाउन के जो सानिया है, तो और भी बातें हैं मियाँ साहब के बारे में जो करप्शन की जो चीज़ें हैं, दास्तान है पूरी, तो जूते ही पड़ते हैं ऐसे लोग पड़ने चाहिए। लोगों को मशवरा देते हैं जी स्पीकर कैसर जो है उसके ऊपर जूते पड़ेंगे नहीं बल्कि जूतों के हार बनाए जाएंगे, उनको तो पड़े नहीं इनको पड़ गए हैं, तो ये मुकाफात अमल चल रहा है आपके हिसाब से कोई? स्पीकर कैसर और राणा सनाउल्लाह में बहुत फ़र्क है। मूछों का फ़र्क है, क्या फ़र्क, क्या फ़र्क? करेक्टर का। अच्छा इनका पास्ट क्या है और कैसर असद कैसर का क्या पास्ट है, बड़ा फर्क है। अब थोड़ी आगे है ना, बड़ी तैयार शार हो गए हैं, मुझे बताएं मरियम बीबी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया इन्होंने मुस्लिम लीग का, अब तो मुस्लिम लीग चमकेगी दमकेगी? नहीं बिल्कुल नहीं चमकेगी, वो सिर्फ मेकअप करने से थोड़ी को चमकता है। अच्छा कैरेक्टर होता है, पर्सनैलिटी होती है। अच्छा उनमें आप समझिए गैट्स नहीं है? नहीं इतनी प्यारी तो लगती है वो। नहीं प्यारी लगती है ना। अच्छा। लेकिन वो उसके बैकग्राउंड में जो लोग उसको पुश करते हैं या सपोर्ट करते हैं उनकी वजह से वो चमक दमक रही है, नॉट बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। नौजवानों की क्या राय है जनाब? ये बड़े पीटीआई के सपोर्टर हैं, किसके सपोर्टर हैं? इमरान खान का। अच्छा तो ये प्राउडली जूते शूते जो पढ़ रहे हैं ठीक है? किसको पढ़ रहे हैं? राणा सनाउल्लाह की गाड़ी पे कोई जूता लगा है वो बाहर होते तो शायद खुदा ना हास्ता उनको लग जाता, ये रवायत ठीक है? हाँ, पहले मियां साहब को पढ़ा फिर लंदन के अंदर किसी बंदे ने उनको मोबाइल मार दिया। हाँ जी और पढ़ने चाहिए, जितने पूरे पाकिस्तान के जूते इकट्ठे करके हर कोई मारे तो वो भी काम है। जूते इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ओ मैं कहता हूँ ऐसे घटिया जूते भी पड़ने चाहिए ताकि उनको पता चले। सर जूते अच्छे होने चाहिए ताकि किसी के काम आए, बल्कि एक नहीं मारना फिर दो मारे, ये मशवरा आपका? मैं कहता हूँ सारे अपने पुराने जूते निकाल के मारो, दैट्स व्हाट दे डिजर्व ऑल ऑफ देम। और जी एक जो आपको आपको जो इस मुल्क में लीडर चाहिए और ही शुड बी ऑनेस्ट और वो इमरान खान है, दैट्स द ओनली पर्सन आई नो इन पाकिस्तान हु इज ऑनेस्ट। पीडीएम कहती है इमरान खान के ऊपर रेड लाइन है, अब ये दोबारा कभी भी नहीं जीतेंगे, उनके एमपीएस को भी इन्होंने यही बात बोली है। आप समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगाई जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं, जब तक वो एक ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, उनको पूरे पढ़े लिखे पाकिस्तान की सपोर्ट है और दैट विल बी नॉट जस्ट हेयर, पूरे दुनिया में। आप लोग कहाँ से?
हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और अभी आपकी इंग्लिश जो है फ्लो भी नहीं कर रही है। इंग्लिश और उर्दू भी जी माशाल्लाह हम लोग यहाँ से यहाँ पे साथ लाए हैं आप। हाँ जी ये देखें ना वो आज इंपोर्टेड जूते हैं आप भाई के पास। तगड़े जूते भी हैं बड़े बड़े वो देख रहे हैं वो वाले। आप इतने हाईली क्वालिफाइड है गुड़िया ने भी बहुत प्यारे शूज पहने हुए। कैन यू स्पीक उर्दू? मगर उर्दू में आप जूता तो फेंक सकती है ना। नहीं आप बताएं ऑस्ट्रेलिया में लोग हम कहते हैं जी बड़े पढ़े लिखे होते हैं हम तो पेंडू जहल गवार हैं जी पाकिस्तान में हैं हमारी डिग्रियों की भी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप बताएं कि जूता फेंकना लीडर्स के ऊपर ठीक है ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया पानी करते वहाँ आप सोबर हो जाते हैं। अगर तो गर्म लीडर है तो जूता जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए और उधर उधर भी पढ़ता है अगर कोई जो है। हाँ जी अंडे उधर उधर के लीडर्स को पढ़े हैं अंडे टमाटर मतलब इन शॉर्ट। हाँ जी अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल दे डिजर्व टू गेट पनिश्ड। जूते इंपॉर्टेंट है आपके? नहीं नहीं मेरे यहाँ के यार मेरे लोकल जूते हेलो लोकल है ये फटाफट उतर जाते हैं अगर मारना हो किसी को वहाँ जब बिल्कुल सही बंदा सामने खड़ा हो तो बिल्कुल निशाना कैसा आपका? मेरा बेहतरीन है। आप तो घर में जूतियाँ चलाती होंगी आपका तो बड़ा पक्का निशाना होगा। नहीं चलाती बच्चों को मारा नहीं जूतों से हम पे प्रैक्टिस की हुई है मेरी अम्मी ने जूतियाँ मार दी आप चप्पलें कैसी पहनती हैं वो खुली खुली वाली जल्दी उतर जाती है। नहीं नहीं बाटा की जूते पड़े हुए इनको। अच्छा सुधर गया ना तो आप ये कहती है कि आप लीडरों को भी जूते पड़ेंगे सुधर जाएंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ने चाहिए डबल पढ़ने चाहिए बाटा के प्लास्टिक के वो जो बड़े वाले हम भी ना हो लेकिन निशान भी छोड़े माओं का जनाब ये उन्होंने सजेस्ट कर दिया है कि आपको जूते मारने चाहिए ताकि ये इनकी तबीयतें दुरुस्त हों। तो जनाब बड़ा ही शानदार मौसम है इस लाहौर का बिल्कुल ठंड में भी कमी है और साथ ही साथ सियासी गर्मा गर्मी भी अरूज पर है। यहाँ पर लाहौरिये बैठे हुए धूप सेक रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर समझ नहीं आती है कि सियासतदानों को लोग पहले फूलों के हार पहनाते थे जब वो आते थे पूरा प्रोटोकॉल होता था आजकल जिसे देखते हैं उसका दिल करता है उन पे जूता फेंक दे। क्यों हो रहा है? जूता फेंकना चाहिए वजह उसकी महंगाई बहुत कर दी उन्होंने वजह क्या है? पहले नवाज शरीफ साहब पे जूता मार दिया किसी ने राणा सनाउल्ला के ऊपर मार दिया ख्वाजा साहब के ऊपर सही फेंक दी भाई साहब सही हो रहा है? हां सही हो रहा है। ताड़े जज्बातों की इकासी हो रही है मतलब कि अंदरों तुसी पूरे भरे हुए हो किरदार ने मुलाहली की किता इन्हां ने बंदियां जुतियां ने जेड़ा मर्जी होवे ते फिर फुल्लां दा की करांगे ओह ते पे रहंदे फिर फुल्लां दीआं कवरां ते पाणा उहनां। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे ये जो हो रहा है सही हो रहा है? इस्लाम तो दर्श देता है कि अखलाकियात है इकराम मुस्लिम है अखलाकियात से गिरी हुई रखते हैं सारी की सारी जो हमारे सियासतदान टोटली ए टू जेड जो सब कर रहे हैं ये जो नहीं करे इनको मिलकर बैठना चाहिए अवाम का मतलब सोचना चाहिए इनको अपनी अपनी कुर्सियों की अपनी अपनी सियासत चमकाने की पड़ी हुई है लिहाजा इनसे दरख्वास्त है कि मिल बैठ के अवाम के मसले में सोचें अवाम मुर्गी गोश्त देखो क्या भाव पे हो गया है नहीं आटा मिल नहीं रहा मारने की या सही फेंकने की क्या जस्टिफिकेशन है क्योंकि अगर नहीं, आप तो नहीं पसंद आप वोट ही ना दें उनका बाइकआउट कर दें जूते नहीं मारने चाहिए ठीक किसी की भी इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए आज उनको जूते पड़ेंगे कल उनको पड़ेंगे ये ऐसे चलता रहेगा पाकिस्तान के सियासतदान बदनाम पहले ही बदनाम है। तो जनाब जब बात हो रही है सियासतदानों पर जूते बरसाने की तो हमने रुक किया लाहौर की जूतों की मार्केट का बड़े शानदार जूते मिलते हैं यहाँ पे तिलों वाले चमड़े के और जबरदस्त किस्म के। यहाँ पर एक भाई साहब जनाब तिलों वाला जूता पहने सर किसको मारना है आपने? राणा सनाउल्ला को। सर इतना गुस्सा क्यों है सियासतदानों पे सारों को? वो करते कुछ नहीं है करते कुछ नहीं वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने जब किया तब क्या किया गया उसने मतलब कि अगर कोई बंदा कुछ ना करे या आपको तंग करे तो हाल ही यही है कि जूते मारो उसको। हाँ जूते मारे आप उसके हक में वोट के लिए आ जाते हैं सिर्फ कहते अच्छा। कुछ भी नहीं है। मैंने बचपन में लिया था जनाब ये 350 का ले लिया था तिल वाला और जो सादा था वो 150-200 का होता अब, था। अब आप बड़े हो गए ना उस वक्त छोटे थे इससे ये जो इनको इनके किरदार ऐसे हैं कि इनको जूतियाँ पढ़नी चाहिए समझ पीटीआई को पढ़नी चाहिए नोली को पढ़नी चाहिए तमाम पीडीएम को पढ़नी चाहिए। अच्छा हाँ जी जूतियाँ की बारिश हो जानी हो जाएगी लोगों की जूतियां मार मार के मुक जाने का बुला के जूतियां हां इनके करदार ऐसे हैं भाई जान ये बिजनेस का आईडिया दे रहे हैं ये इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है ना वो आने वाली हमारी नस्लें खराब कर दी हैं समझ जा रहे मकरूज हो चुके हैं आप भी मकरूज हैं हम भी मकरूज हैं पाकिस्तान दिन-ब-दिन दिवालिया की
की तरफ जा रहा है, इनको अपना वो कहते हैं वजीर अला पंजाब ना रहे, ये ना रहे, ये ना रहे, इनके खींचातानी की वजह से पाकिस्तान ख़राब हो रहा है, हमें इनकी कोई ये सब को एक जेल में डाल के मार दें। किस पास टुर पे ने जुतियाँ मार रहे हैं लीडर ਬਰੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੇਚਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਕੰਨੀਆਂ ਪੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਟੋਟਿੰਗ ਸਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਲਾਲੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕੇ ਛਪਕੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋ ਲੀਜੀਏ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇ ਹਮ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਸਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੈਸੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਬ ਪੇ ਜੁੱਤੀ ਪੜੀ ਉਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀ ਬਰਸਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿਆ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਜੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ ਕੋ ਜੁੱਤੇ ਹੀ ਪੜਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹਾ बड़े छोटे की तमीज सीधा जूता मार दो गुस्सा चढ़ा ये तो रवायत अच्छी बड़े छोटे की तमीज तब भी होती है ना जब बड़ा अपनी इज्जत खुद करवाए जब बड़े कोई अपनी इज्जत का खुद ही नहीं पास है वो गरीब आदमी जिसको उसका वो सोचेगा नहीं अगर अल्लाह ताला ने उसको हुकूमत दी हुई है उसको ओदा दिया हुआ है वो सोच ही नहीं रहा तो आपकी जूते मार्केट की जो यूनियन है उसने ये मिलके तो नहीं फैसला किया कि हुन जूतियां ही मारांगे इंशाल्लाह अगली इलेक्शन ही पैनी है ते मुन्नू ने क्या ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਚੱਪਲ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੱਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪੱਕਾ ਇਧਰ ਆਉਣਾ ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਥੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆਹੋ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ छे सत महीने इलेक्शन नहीं हो रही कुछ नहीं हो रहा तो सारे साई नहीं हो जाएंगे या तो डाकू साई खुश हो रहा है साई तेरे वर्गे सारे हो जाए तू खुश है आहो है मैं खुश हाँ क्योंकि सारे साई ने नहीं है मुसलमान ने वाह 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 अच्छी बात है जनाब मगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आवाम इतनी तंग आई हुई है इतनी डिप्रेशन का शिकार है कि उनके पास ये बात उसके अलावा करने को है ही नहीं है ये वही लोग हैं जिन्होंने इन सियासतदानों के गलों में हार पहनाए इनके ऊपर फूल की पत्तियाँ निछावर की मगर इनके वो हालात कर दिए कि दो वक्त की रोटी पूरी नहीं होती कारोबार ठप पड़े हुए हैं अब यही लोग कहते हैं कि इनके ऊपर जो जूते बरस रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बरस रहे हैं मगर मैं इसको इंडोर्स नहीं करता क्योंकि हमारी तालीम व तरबियत हमारी सकाफत हमेशा से इज्जत एहतराम की है और जो भी आपको मसला मसाइल हो आप अगर किसी सियासतदान से नाला है या परेशान है तो आपको चाहिए कि आप अपने वोट से उसको कंडेम करें उसका बाइकॉट करें ना कि ये जूते मारे और जूते मारने की रिवायत बिल्कुल ठीक नहीं है इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को अंदरून शहर लाहौर से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।